नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यापीठ द्वारा चलता ऑनलाइन लेक्चर में हूँ गीता बारी आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण छ नी अंदर विषय हिंदी में पाठ नंबर छ से न्याय एना अभ्यासना प्रश्नों से एनी चर्चा से ये करीशू। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना लेक्चर नी अंदर आपणे पाठ छे ए जोई गया, हवे आपणे एमना अभ्यासना प्रश्नों छे एनी चर्चा से ए करीए। तमे तमारी नोटबुकनी अंदर हूँ अहींयाथी जे प्रश्नोना जवाब बोलो ते तमे एना जवाब छे ए साथे लखता जजो। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासनी अंदर पहेलो प्रश्न आपणने एवो आपेलो छे के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमा पहेलो प्रश्न छे एवो छे के अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होंगी, ले के अली ख्वाजाए मोहरो छे ए तेल में शा माटे छुपावी हशे, तो एनो जवाब छे ए आवशे के अली ख्वाजा मक्का की यात्रा पर जा रहे थे। अली ख्वाजा छे ए मक्का नी यात्रा उपर जई रह्या हता। अली ख्वाजा मक्का की यात्रा पर जा रहे थे। अली ख्वाजा मक्का की एटले के मक्का की यात्रा पर जा रहे थे। એટલે કે અલી ખ્વાજા મક્કાની યાત્રા ઉપર જઈ રહ્યા હતા। વે અપની મોહરે અપને મિત્ર વાજિદ કે યહાં છુપા કર રખના ચાહતે થે, તે પોતાની મોહરો છે એ પોતાના મિત્ર વાજિદના ઘરે છુપાવીને રાખવા માંગતા હતા। इसलिए मोहरे छुपाने के लिए घड़े में रख कर उनमें तेल भर दिया और सील कर दिया, जिससे घड़े में मोहरे है इसका पता वाजिद को न चले। बीजो प्रश्न से मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो एनो जवाब लखो मित्र के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मित्र के साथ हमें सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते, तो वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के मोहरे उसे वापस कर देता और हसन की जगह मैं होता तो सच्चा न्याय करता। हवे बीजो प्रश्न छे एवो छे के नीचे दिए गए संदर्भों में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए, एले के संवाद बोलवान छे। अली ख्वाजा और वाजिद जब अली ख्वाजा और वाजिद तेल का घड़ा रखने आए। अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा, तो बीजो छे ऐसे अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा, उत्तर से अली ख्वाजा और वाजिद। हवे एनो जवाब तमे पहेलानो जुओ कि अली ख्वाजा अने वाजिद, तो अली ख्वाजा अरे दोस्त वाजिद क्या करते हो, वाजिद आइए प्यारे मित्र कैसे हो। अली ख्वाजा भाई वाजिद सुनिए, मैं मक्का की यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं अपना घड़ा आपके घर रखने आया हूँ। वाजिद कहता है कोई बात नहीं, आप अपना घड़ा मेरे तहखाने में रखाइए और जब आप लौटो तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा कहाँ रखूँ घड़ा, वाजिद लीजिए यह तहखाने की चाबी, उसे अपने ही हाथों तहखाने में रखिए। हवे बीजो छे अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा, तो एनो संवाद, ये बन्ने झगड़ता हो तो एनो संवाद छे ए तमे केम बोलशो, तो के पहलू बोलशे वाजिद अपने घर में बैठे हैं, वाह अली ख्वाजा यात्रा से आ गए,
कैसी रही आपकी यात्रा? अली ख्वाजा, बहुत अच्छी रही यात्रा। चलो भाई वाजिद, मुझे अपना घड़ा वापस दीजिए। वाजिद, ले लीजिए, आपका घड़ा तहखाने में ही पड़ा है। अली ख्वाजा घड़ा लेकर घर जाता है और घड़े का सील खोलकर देखता है। हाय, मैं लूट गया, इसमें से तो एक भी मोहरे नहीं है, इसमें तो एक भी मोहरे नहीं है। अली ख्वाजा तुरंत वाजिद के घर जाता है। अली ख्वाजा, अरे वाजिद, मेरे घड़े में 500 मोहरे थी, उसमें से तो एक भी नहीं है, आपने मेरी मोहरे ले ली है, मुझे वापस दिए। वाजिद, अरे भाई, मैंने तो आपके घड़े को हाथ भी नहीं लगाया, आप जहाँ घड़ा रख कर गए, छोड़कर गए थे, वहाँ से आपने ही अपने हाथों से वापस लिया है। अली ख्वाजा, वाजिद तुम झूठ बोलते हो, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। दोनों के बीच का झगड़ा होता है, लोग झगड़ा देखते हैं, न्याय के लिए दोनों को खलीफा के यहाँ जाते हैं। अली ख्वाजा, खलीफा न्याय कीजिए, इस वाजिद ने मेरी मोहरे चुरा ली है। खलीफा सारी बात सुनकर, अच्छा भाई, न्याय के लिए दिन के दिन बाद आना। हवे प्रश्न नंबर 3 छे, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी, कक्षा कक्ष में चर्चा कीजिए। लेकिन हसन ने केवी रीते सूझबूझ से वापरी थी एनी चर्चा अपने अपना वर्ग में करवानी छे। इसका पहला चित्र है, खलीफा न्याय के लिए चतुर हसन को न्यायाधीश बनाता है। हसन अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को सुनकर, न्याय के लिए दो तेलियों को बुलाओ। दो तेली, बोलिए क्या काम है? हसन कहता है, देखिए इस घड़े का तेल कितना पुराना है। दो तेली तेल को सूंघकर चखकर देखकर, यह तेल 2 महीने पुराना है। हसन बोलता है, वाजिद देखो यह तेल 2 महीने पुराना है और अली 6 महीने पहले आपके घर घड़ा छोड़कर गया था। इससे यह मालूम होता है कि तुमने घड़ा खोलकर मोहरे और तेल ले लिया है और घड़े में दूसरा तेल भर दिया है। खलीफा वाजिद तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, अली की मोहरे वापस दे दीजिए, चोरी करने की तुम्हें सजा दी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अपना स्वाध्यायना प्रश्नों अभ्यासना प्रश्नों पूरा थाय से। हवे अपने स्वाध्यायनो पहलो प्रश्न जोईए। तो स्वाध्यायना पहला प्रश्ननी अंदर छे, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? तो एनो जवाब स्वापोथीनी अंदर चोपड़ी अंदर थी तीजा पेराग्राफ में पण मळी रहेशे के एक दिन वाजिद के घर दावत थी, रात के समय पकवान बनते थे, उसी समय तेल की जरूरत पड़ी। उसकी पत्नी ने उसे अली ख्वाजा के घड़े का तेल लाने को कहा। वाजिद अली ख्वाजा के तेल के बर्तन का सील खोलकर तेल निकालने लगा तो उसे मोहरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में डाला तो मोहरों का पता चल गया। बीजो प्रश्न छे, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े की मोहरे निकाल ली थी और उसमें दूसरा तेल भर दिया था। जब अली ख्वाजा मक्का की यात्रा करके वापस आए तब उन्हें अपने घड़े में मोहरे नहीं मिली। वाजिद ने झूठ बोलकर कहा कि मैंने तुम्हारे घड़े को हाथ भी नहीं लगाया है। वास्तव में वाजिद ने अली ख्वाजा की मोहरे चुरा ली थी, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तीजो प्रश्न से, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो के खलीफा ने हसन की चतुराई देखी, खलीफा ने सोचा कि यह लड़का अपनी चतुराई से अली ख्वाजा और वाजिद का सच्चा न्याय करेगा। इस प्रकार न्याय करवाने के लिए खलीफा ने हसन को अपने दरबार में बुलाया। चौथो प्रश्न से, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो तेलियों ने बताया कि यह तेल 2 महीने पहले का है, जबकि अली ख्वाजा का तेल 6 महीने पहले का था। इस प्रकार वाजिद की चोरी पकड़ी गई, इसलिए वाजिद घबराया। पांचवा प्रश्न से, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया?
तो तेलियों ने तेल को बारी बारी से देखकर सुनकर और चखकर सच्चा निर्णय किया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो यह प्रश्न है। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने अली ख्वाजा को मोहरे और तेल वापस दिलाया। वाजिद को चोरी और विश्वासघात की सजा दी। हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। बीजो प्रश्न से निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। एनो पहलो प्रश्न से यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, तो यह वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। आप अपना घड़ा तहखाने में रखिए, तो यह वाक्य वाजिद अली ख्वाजा को कहता है। त्रिजो से आप काजी की अदालत में जाइए, यह वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथो से आप इस घड़े की जांच कीजिए, यह वाक्य हसन तेलियों को कहता है। हजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तो यह वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। विद्यार्थी मित्रों, हवे छे प्रश्न नंबर 3। आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखी ए। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने यहाँ प्रश्न नंबर स्वाध्यायना अभ्यासना प्रश्न नंबर 1, 2 अने 3 जोया अने स्वाध्यायना ना प्रश्न नंबर 1, 2 जोया। तो बीजा त्रीजा प्रश्न थी से प्रश्न नंबर 3 थी अपने स्वाध्यायना प्रश्नों से ए हवे पशीना लेक्चर नी अंदर से ए जोशू। त्यां सुधी आवजो। आजे करावेल प्रश्नों से अभ्यास अने स्वाध्यायना ए तमारे तमारी रफ नोटनी अंदर एक वार करवाना छे।